दोस्तों पबजी के एडिक्शन ने बहुत से लोगों की जान ली है, चाहे डायरेक्टली लियो या फिर इनडायरेक्टली लियो। इनडायरेक्टली इन द सेंस के मतलब बंदा पबजी खेल रहा है, उसके बाद में कोई उसको रोकता है, मना करता है, फ़ोन छीन लेता है और वो उसके लिए उसको ख़त्म कर देता है कि मुझे खेलने क्यों नहीं दे रहा। उसके बाद में गेम आराम से खेलने भी लगता है, उसके बाद में पता लगता है जब इंसिडेंट का तो उसको पकड़ लिया जाता है। और इसी के साथ साथ कई बच्चों ने ऐसा भी किया है कि उनको खेलने नहीं दिया गया तो उन्होंने सीधा ही सुसाइड कमिट कर ली। और यहीं पर डायरेक्टली कुछ ऐसा भी हुआ है कि मतलब वो इतने ज़्यादा एडिक्ट बन गए थे इस गेम के कि उनके दिमाग पर असर होने लग गया, मतलब कि दुनिया से मतलब एकदम ही हट चुके थे, स्ट्रेस के अंदर रहते थे, टेंशन के अंदर रहते थे और मतलब गेम की ये सारी टेंशन रहती थी कि मेरे के लिए नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, मतलब काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा घंटे खेलते थे, जिसकी वजह से कईयों को बीमारियां भी लगी हैं एडिक्शन की वजह से, क्योंकि ज़्यादा जो भी चीज़ करोगे उससे कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती हैं। अब यहीं पर न्यू स्टेट लॉन्च हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ होगा, इस गेम ने भी दो बच्चों की जान ले ली। दरअसल दो बच्चे पबजी खेल रहे थे, लेकिन कहाँ पर खेल रहे थे, रेलवे ट्रैक पर खेल रहे थे जो कि मथुरा के आसपास ही होगा, जहां पर इन्होंने अपने घर पे तो ये बोला था कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और मॉर्निंग वॉक करते करते इन दोनों के दिमाग में आया होगा, दरअसल 14 साल के ही लड़के थे, इनके दोनों के दिमाग में आया कि चलो गेम खेल ली जाए थोड़ी सी। और उसके बाद में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए अपने ईयरफोन लगा के गेम खेलने के लिए। उसके बाद में दोनों ही खेलते रहे गेम, जिसके बाद में कुछ वक्त बाद पुलिस आती है और पुलिस देखती है कि दो मोबाइल रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए हैं और वो भी चालू हालत में, जिनके ऊपर गेम चल रही है पबजी न्यू स्टेट। और उसके बाद में आगे जाके तो कुछ और ही सीन उनको देखने को मिलता है, जिसके बाद में ये मालूम चलता है कि ये इस गेम के एडिक्शन में मतलब खेलते खेलते ही रेलवे से खचैक हो गए। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर इस गेम की गलती नहीं है, क्योंकि जो भी बंदा ईयरफोन लगाता है या फिर हेडफोन लगाता है और रोडों पे चलता है, कॉल पे बात करता हुआ चलता है, वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, वो इतने अवेयर नहीं रहते अपने सराउंडिंग से, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। इसी के साथ साथ कई लोग म्यूज़िक सुनते हुए जाते हैं ईयरफोन से और गाड़ियों से टक्कर खा रहे होते हैं कि पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा और उस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। सो यहाँ पर बात है अवेयरनेस की, इस गेम की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। अगर वो ईयरफोन नहीं लगाते या फिर किसी सही जगह पर बैठ के खेलते तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। और इनके माँ बापों को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसी कोई ऑनलाइन गेम भी होती है जिसका एडिक्शन भी रहता है इतना ज़्यादा कि बंदा कहीं पर भी बस खेलने बैठ जाता है। दोस्तों इसराइल की टेक कंपनी एनएसओ ग्रुप ने अब तक किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे एंड्रॉयड यूज़र हो चाहे एप्पल का यूज़र हो, उन्होंने सब पर स्पाई रखने का अपना प्रोग्राम बना रखा है जिसको पेगासस नाम से जाना जाता है, जिसको वो बेचती भी है। और ये मतलब जिस पे भी स्पाई करवाना होता है ना उसके लिए पैसे चार्ज करती है, कितने करती है वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है इस पेगासस के बारे में और जो भी कर्मकांड हुए हैं शुरू से लेकर अब तक, वो सारी की सारी जानकारी पेगासस के बारे में बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि पेगासस का जब इतनी चर्चा नहीं हो रही थी तभी ये मैंने बना दी थी, खैर उसके बाद में भी बनाई है दूसरी वाली, तो दोनों ही देख सकते हो एक्चुअली में। लेकिन यहाँ पर अब एप्पल ने इसराइल की इस टेक कंपनी को सू कर दिया है, क्योंकि भैया एप्पल अपने यूज़र की करता है बड़ी ज़्यादा कदर और उन्होंने कहा है कि भैया हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ हो तो यहाँ पर कहा गया है कि ये स्टेट बैक टेक कंपनी है जिसको पूरा का पूरा देश सपोर्ट कर रहा है, जो कि स्पाई करती है। और इनका कहना ये है, ये जो एनएसओ ग्रुप है, कि भैया ये हम सिर्फ टेररिस्टों पर नज़र रखने के लिए बनाते हैं ताकि टेररिस्ट पे नज़र रख सके कि उसकी क्या थिंकिंग है, क्या गतिविधि वो करने वाला है, और इसी के साथ साथ ये गवर्नमेंट को भी देते हैं ताकि वो भी नज़र रख सके। हालांकि रहता ये सिस्टम सब्सक्रिप्शन बेस पे ही है कि मतलब एक डिवाइस का इतना दो या दो डिवाइस का उतना दो, उसी हिसाब से सारा मामला रहता है और पैसे मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर में होते हैं, तो आम बंदों के ऊपर इतना ज़्यादा स्पाई नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोई वैल्यूबल पर्सन होगा, कोई ऐसा बंदा होगा कि भैया जिसके मतलब फैसलों से काफ़ी कुछ हो सकता है या फिर उसकी प्लानिंग से काफ़ी कुछ हो सकता है, तो उन पर तो नज़र रखते ही हैं ये, अगर इनको पैसा मिलता है, मतलब फ्री फंड में क्यों करेंगे भाई। दोस्तों वैसे तो व्हाट्सएप वेब के ऊपर आप अपने खुद के स्टिकर बना सकते थे, उनका एक टूल होता था जिससे कि आप खुद के स्टिकर बनाकर किसी को भी सेंड कर सकते थे, लेकिन अब यही फीचर अब आपके एंड्रॉयड के ऊपर भी आने वाला है। अब एंड्रॉयड के ऊपर जो बेटा वर्जन है ना व्हाट्सएप का, उस पर तो ये शायद फीचर आ भी गया या फिर आने वाला है, तो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा कि आप खुद के स्टिकर बना बना के भेज रहे होंगे। आप देखते होंगे कई सारे लोग आपको स्टिकर भेजते हैं, तो अब आप भी उनको कस्टम स्टिकर्स
भेज सकते हो, चाहे मिर्जापुर के भेजो, चाहे गैंग्स ऑफ वसेपुर के भेजो। बल्कि मैं खुद कुछ दिनों पहले ढूंढ रहा था कि क्या ये फीचर है, लेकिन अब ये आने वाला है एंड्रॉयड के ऊपर। दोस्तों एक खबर आपको सुनने में आ रही होगी कि इंडिया शायद क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकता है, जिसकी वजह से आप देख भी रहे होंगे कि मार्केट पूरी क्रैश होने को जा रही है, सभी के प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका मानना ये है कि वो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेंगे, ना कि बैन करेंगे। और इसी के साथ साथ क्रिप्टो टैक्स का लाने का भी कुछ प्लान किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और बात की जा रही है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें तो कुछ टाइम बाद ही मालूम चलेंगी कि एग्जैक्टली क्या थिंकिंग है इनकी। और इसी के साथ साथ दोस्तों रशिया डिमांड कर रहा है सभी बड़ी कंपनीज को कि हमारी कंट्रीज के अंदर आओ और लोकल ऑफिस बनाओ, चाहे टिकटॉक हो, एप्पल हो, मेटा हो यानी कि फेसबुक, और गूगल हो गया, टेलीग्राम हो गया, या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सभी को कहा है कि भैया हमारे इधर भी आपको ऑफिस बनाने पड़ेंगे अगर आपको हमारी कंट्री में अपनी सर्विस देनी है। तो मतलब ये तो धमकी होगी एक तरीके से। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।